चलें बिस्मिल्लाह। सो बायोग्राफी फटाफट से देख लेते हैं इसकी, जियाउल हक की। ठीक है, पंजाबी फैमिली में पैदा हुए। ठीक है, किसी को पता है कौन से एरियाज में पैदा हुए? यहाँ पर लिखा नहीं है मैंने भी, लेकिन मुझे नाम बड़ा अच्छा लगता है ये, जलंधर। कहाँ पर? जलंधर। ठीक है, 12 अगस्त 1924 को। फादर का नाम मोहम्मद अकबर अली था, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट इस्लामिस्ट थे। यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन जिया और उनके उसके भाई बहन को कहते थे कि आप फटाफट उठ के, हर वक्त जब नमाज का होता था फौरन आके उठाते थे, और वो 5 वक्त का नमाजी बनाया था। जिया वॉज अ स्ट्रिक्ट इस्लामिस्ट एज इज फादर। ठीक है, इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन शिमला में हासिल की। बीए इन हिस्ट्री लिया इन्होंने 1943 के अंदर। बहुत जिस तरीके से हमने पुराने मिनिस्टर मिनिस्ट्रीज पढ़ी थी उसके अंदर भी, जैसे अयूब खान वगैरह हैं, तो इन्होंने भी जो है ना वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर सर्विस दी थी। ठीक है, सो ही वॉज अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी बिफोर पार्टीशन। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर ली। ठीक है, 1 मार्च 1976 को जुल्फिकार अली भुट्टो ने इनको आर्मी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बना दिया। दिस इज द पॉइंट यू शुड लर्न, इसमें कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए, ये आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, याद होना चाहिए। जुलाई 7, 1977 को ही टुक द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान थ्रू मार्शल लॉ, यानी जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पे चढ़वाया, और इन्होंने जो है वो मार्शल लॉ जो है मार्शल लॉ के जरिए पाकिस्तान का टेक ओवर कर लिया। इनकी डेथ कैसे हुई थी? जिया की डेथ जो है ना वो एक प्लेन क्रैश में हुई थी, अगस्त 17, 1988 को। वो जो प्लेन क्रैश था, चले मैं एंड में बताऊं, अभी बताऊंगा, एंड में बता दूंगा। ठीक है, इनकी जो टॉम है, टूम इनका इस्लामाबाद में है। ठीक है, डज दैट मेक सेंस? हिज टूम इज इन इस्लामाबाद। सर, ये जो आप बायोग्राफी लिखते हैं, क्या इसी में से 4 मार्क का क्वेश्चन आंसर करेंगे? अगर हु वाज जियाउल हक आया तो नहीं। जियाउल हक, अगर आप जियाउल हक का सवाल आता है ये भी लिखेंगे, ही इंट्रोड्यूस इस्लामाइजेशन रिफॉर्म्स, ये भी 1 मार्क मिलेगा आपको। ये फिर सर आपने क्यों लिखी है? दिस इज फॉर दोज हु वांट हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट हिज फैमिली बैकग्राउंड और बायोग्राफी। ठीक है, कुछ चीजें कॉमन होती है, जैसे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सर्व किया, ये चीजें याद करना आसान है, क्योंकि वो दूसरे लीडर्स के उसमें भी जो है ना वो आपको सेम मिलेंगी। ओके, सबसे पहला काम जो जो जियाउल हक को करना था बच्चों, वो ये था कि भुट्टो के साथ किस तरीके से डील किया जावे, भुट्टो के साथ किस तरीके से डील किया जावे। तो द मोस्ट अर्जेंट टास्क फॉर जिया वॉज हाउ टू डील विद द केस ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो। सबसे अर्जेंट टास्क जियाउल हक के लिए ये था कि जुल्फिकार अली भुट्टो से किस तरह डील किया जावे। सबसे अर्जेंट टास्क सबसे अर्जेंट टास्क जुल्फिकार अली भुट्टो के केस को डील करना था फॉर जियाउल हक। फॉर जियाउल हक द मोस्ट अर्जेंट टास्क एज सून एज ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज हाउ टू डील विद द केस ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, क्यों मुश्किल था और ये क्यों अर्जेंट था? क्योंकि मैंने आप लोगों को ऊपर बताया इस चीज के बारे में, इफ यू रीड द बायोग्राफिकल पॉइंट्स उसमें तुम्हें मिलेगा कि 1976 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसको जो है ना वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाया था। तो ऐसे शख्स के केस के साथ डील करना जिसकी वजह से तुम ऊपर आए हो, जियाउल हक के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था। जियाउल हक को ऊपर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने में एक इशू ये था, जुल्फिकार अली भुट्टो को बहुत सारे लोग क्रिटिक करते थे कि ये तो छोटा है हमसे, इसको क्यों बनाया। जो सीनियर ऑफिसर्स थे उनको ऐसा था कि मैं बनूंगा, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो ने किसको बनाया? जियाउल हक को। किसको बनाया? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जियाउल हक को। डज दैट मेक सेंस? ठीक है, आगे चलते हैं। तो इट वाज द मोस्ट अर्जेंट टास्क फॉर जियाउल हक टू डील विद द केस ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, आप लोगों को अहमद शाह कसूरी, सबने कर घर जाके ये नोट्स पढ़े थे, भुट्टो के पूरे किए थे, रिवीजन किया था भुट्टो के नोट्स का? नहीं। अहमद शाह कसूरी के बारे में आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, इसका मतलब आप लोगों को, जब तक मैं ही एक सेम चीज रिपीट बार बार नहीं करूं, आपको पता ही नहीं होगा। देखें, शॉर्ट में अभी बता रहा हूं, डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहता अपना। एफएसएफ ने इसको, अहमद शाह कसूरी को मार दिया था। एफएसएफ नॉट अहमद शाह कसूरी को, अहमद शाह कसूरी के फादर को। ठीक है, तो अहमद शाह कसूरी और उसकी फैमिली एक वेडिंग से आ रहे थे, तो ये कौन था? ये जो है ना वो भुट्टो के खिलाफ इसकी पॉलिसीज को क्रिटिक कर रहा था। तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने एफएसएफ को बोलकर इसको मरवा दिया था, तो मरवाने की कोशिश की थी। तो ये जो इंसिडेंट था बेटा, फायरिंग हुई थी, एफएसएफ ने ओपन फायरिंग की थी,
कसूरी की फैमिली वापस आ रही थी वेडिंग से, तो इनके ऊपर ओपन फायरिंग की गई। तो जब ओपन फायरिंग की गई तो इसके अंदर उनके फादर मर गए। तो जब फादर मरे तो अहमद शाह कसूरी ने क्या किया, अहमद शाह कसूरी ने FIR लिखवा दी भुट्टो के अगेंस्ट। ठीक है, समझ आ गई बात। तो जो हम ये बात कर रहे हैं कि जियाउल हक का अर्जेंट टास्क था टू डील विद द केस ऑफ भुट्टो, उसमें मेन एक केस ये था कि अहमद शाह कसूरी ने फाइल कर दिया थी FIR किसके अगेंस्ट, जुल्फिकार अली भुट्टो। उसने ये कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने ही मराया है मेरे बाप को, और हमारी फैमिली पर जो अटैक हुआ है ये भुट्टो की वजह से FSF ने किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब जियाउल हक को ये फैसला देना था कि भुट्टो को या छोड़ दिया जाए या सजा दी जाए। ठीक है, तो जुल्फिकार अली भुट्टो को बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि यार जिया से माफी मांग लो, क्योंकि अगर तुम माफी मांग लोगे तो ये तुम्हें छोड़ देगा। बहुत सारे लोगों ने भुट्टो को ये बोला जिया से माफीनामा कर लो, ये तुम्हें छोड़ देगा। लेकिन 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 ये तो ऐसी बात हो गई कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कल को किसी की डिस्टिंक्शन आएगी तो वो मुझे कहेगा कि सर आप ऐसा नहीं ऐसा, तो मैं उसकी मान लूंगा, कभी नहीं मानूंगा। ठीक है, तो जुल्फिकार अली भुट्टो जो है वो भी अपने आप को इतना गिरा हुआ नहीं समझता था कि उस शख्स से माफी मांगे जो आर्मी चीफ बना ही उसकी वजह से है। तो जुल्फिकार अली भुट्टो को बहुत सारे लोगों ने समझाया सुलानामा माफीनामा कर ले यार, कम से कम बार तो आ जा, वंस बार आ जाएगा फिर हम देख लेंगे जिया को। ठीक है, एक एक आंख से है दूसरी से भी फारिग कर देंगे, मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो के ऑनर की बात थी, तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने माफीनामा या रिक्वेस्ट जिया को नहीं किया, माफीनामा या रिक्वेस्ट जिया से नहीं किया। ठीक है, लेकिन इसने खुद ने तो नहीं किया, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो के बहुत सारे लोकल और इंटरनेशनल सपोर्टर्स थे जिन्होंने जियाउल हक को पर्सनल टेलीग्राम्स भेजे, पर्सनल रिक्वेस्ट भेजी कि हमें जो है वो, हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं आपसे आप भुट्टो को रिहा कर दें, आप भुट्टो को रिहा कर दें। लेकिन जियाउल हक, आपको क्या लगता है जियाउल हक रिहा करेगा जुल्फिकार अली भुट्टो को? जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो को रिहा नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसके पीछे एक छोटा सा रीजन ये है, मैंने आपको बताया कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने जब जियाउल हक को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया तो जो सीनियर स्टाफ थे वो उनकी मजाक उड़ा रहे थे जियाउल हक की, कि ये कैसे बन गया, ये तो इतना केपेबल ही नहीं है। तो जिया ने देखा ये अच्छा मौका है कि मैं अपने उस्ताद को ही अगर सजा करार दे दूं तो लोगों को पता चल जाएगा कि मैं एक स्ट्रिक्ट रूलर, मैं अच्छे से पाकिस्तान चला सकता हूँ। तो सिर्फ ये शो करने के लिए, और जाहिर है कि भुट्टो के अगेंस्ट केस तो थे वैसे भी, हमने आपको बता दिया FSF बहुत बुरे तरीके से इसने इस्तेमाल की थी, तो इस वजह से जियाउल हक ने यह अनाउंस किया कि भुट्टो को फांसी लगेगी, भुट्टो को फांसी लगेगी। ठीक है, 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो को फांसी दे दी गई, 4 अप्रैल 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो को फांसी दे दी गई। तो इस तरीके से जुल्फिकार अली भुट्टो ने, भुट्टो का केस जो है वो जियाउल हक ने डील किया। डज दैट मेक सेंस? ठीक है, चांसेस नहीं मिले थे। हुआ ये था, मैं बताऊं उसका, हुआ ये था कि जियाउल हक ने जब इसको अंदर डाला तो फिर जिया ने इसको वापस आने दिया था, बाहर आने दिया था, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो के अंदर भी जो है ना वो ही था, चार वाला मुंह वाला जो। ठीक है ना, देखो इसको पता है, इसका भी यही मसला है। ठीक है, तो जुल्फिकार अली भुट्टो को जैसे ही उसने रिलीज किया था, करता था वो फिर अपनी सियासत शुरू, कैंपेनिंग, हल्ला गुल्ला, डेमोक्रेसी के नारे, रोटी कपड़ा मकान, ये सब शुरू कर देता था। तो फिर जुल्फिकार अली भुट्टो को जो है ना वो इस वजह से जियाउल हक ने बोला चल बेटा बार बार तू ससुराल में ही रहे, और फिर एंड में इसको 2 साल बाद फांसी चढ़ा दी। कोई मसला यहाँ तक? डज दैट मेक सेंस? 2 साल तक ये केस चला था, यहाँ पर नहीं लिखा, लिख लो अपने पास। ठीक है, द केस वॉज ट्राइड फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, 2 साल तक। जैसे ही जियाउल हक पावर में आया, जैसे ही जियाउल हक पावर में आया 1977 में, सबसे पहला काम इसके पास ये करने को था कि भुट्टो को किस तरीके से ठंडा किया जाए,
भुट्टो के केस को किस तरीके से डील किया जाए। भाई जुल्फिकार अली भुट्टो वो बंदा है जियाउल हक के लिए जो उसके बाप बराबर है, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जियाउल हक को बनाने वाला ही जुल्फिकार अली भुट्टो था। तो ऐसे बंदे के केस को डील करना, तो वो शुरू में इनिशियली थोड़ा रहम दिल लेके जैसे ही भुट्टो को छोड़ता था, भुट्टो जेल से बाहर निकलते ही अपनी कैंपेनिंग सियासत, ओपन सियासत शुरू कर देता था। वो दोबारा जिया उसको जो है ना वो जेल में डाल देता था। फिर अहमद शाह कसूरी की मैंने आपको बात की कि उसने भुट्टो के अगेंस्ट FIR फाइल की, केस फाइल करवाया कि भुट्टो ने मेरी फैमिली पर अटैक करवाया FSF के थ्रू, और इसमें जो मेरे फादर का इंतकाल हुआ है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जुल्फिकार अली भुट्टो जिम्मेदार है। तो इस केस को मद्देनजर रखते हुए फिर जियाउल हक ने 4 अप्रैल 1979 को 2 साल बाद वर्किंग करने के ये फैसला दिया कि जुल्फिकार अली भुट्टो वॉज एट गिल्टी, और हैं जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। ठीक है, डज दैट मेक सेंस? कोई मसला? आउट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों के लिए मैं ये बोलता हूँ क्वेश्चन, अपने सीनियर से जाके पूछे भुट्टो को फांसी कितने बजे लगी थी और कब लगी थी, याद होगा उनको। ठीक है, उनको जरूर याद होगा। जी बिल्कुल, अब आ जाए वापस। कोई मसला है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है? नहीं। ठीक है, बलोचिस्तान, कोई सवाल है इस केस में से? नहीं। अब आ जाते हैं बलोचिस्तान इशू के ऊपर। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि जुल्फिकार अली भुट्टो सिंध और पंजाब इंडस प्लेन के ऊपर तो अच्छा कर रहा था परफॉर्म, जुल्फिकार अली भुट्टो PPP, लेकिन NWFP और बलोचिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो के सपोर्टर्स नहीं थे। वहां पर बोले कौन थे, नेशनल अवामी पार्टी और JUI पार्टी की कोएलिशन थी। ठीक है, उन्होंने आपस में ट्रीटी साइन की हुई थी। ठीक है, जिया सॉरी जुल्फिकार अली भुट्टो से भी याद है ना मैंने बताया था ट्रीटी साइन की हुई थी कि तुम अपनी मर्जी से प्रोविंशियल गवर्नर अपॉइंट नहीं करोगे, हमारे मामले में दखल नहीं दोगे, तो हम तुम्हें नेशनल असेंबली में सपोर्ट प्रोवाइड। वो फिर 1 साल बाद टूट गए बहरहाल, और फिर उसने जुल्फिकार अली भुट्टो ने मिनिस्टर्स भी रिमूव किए, सो ऑन सो फोर्थ, वो हम कर चुके हैं डिटेल में। अभी पॉइंट ये है कि जियाउल हक, हम बोलते हैं ना सूर सैयद अंजा पिटजन इमाम, ये एक मशहूर कहावत है सिंधी जबान, अगर किसी को लिटरेचर सिंधी कच्ची लिटरेचर का शौक हो, सूर सैयद अंजा पिटजन इमाम, यानी एक बड़ी मशहूर कहावत है सिंधी कच्ची लिटरेचर के अंदर कि गलती किसी की होती है और पिटता कौन है। तो जुल्फिकार अली भुट्टो की जो वीक पॉलिसी थी इन द प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान एंड NWFP, वो मसले मसाइल विरसे में जियाउल हक को मिले, विरसे में जियाउल हक को मिले। अब हमें रायान बताएगा। रायान मुझे फटाफट से बता दो, तो ये जियाउल हक को मैंने क्या बोला तुम्हें कि जो बलोचिस्तान वाला इशू था, बलूचिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो जो है उसकी अच्छी पॉलिसीज, वहां के ट्राइबल लीडर से जुल्फिकार अली भुट्टो के अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस, तो वही मसले मसाइल किसने इनहेरिट किए, जियाउल। तो बेटा मुझे बताओ, इनहेरिट किया ना, इनहेरिट का मतलब विरसे में मिलना, तो अब मुझे बताओ इनमें से फादर कौन है और वो कौन है, सन कौन है, जियाउल हक फादर है या जुल्फिकार अली भुट्टो? भैया मेरा आयान बताएगा। ठीक है, बताओ बताओ। देखे ये हाल है, जिया फादर है, जुल्फिकार बेटा है। नहीं, हाँ नहीं, जुल्फिकार जी फादर और जिया बेटा है। देख लिया, नहीं, ये ऐसे लोग 14 अगस्त पे एक ऐसे होते हैं और एक फिर ऐसे भी सेफ गार्ड आ गए। नहीं तो कुछ बेटा बाप है ही नहीं। तो यही पूछ रहा हूँ बेवकूफ, चलो आ जाओ, ये 14 अगस्त को निकलते लोग यही पूछते। तो किसी एक ने कहा था फातिमा जिना बाप है कायदे आजम मोहम्मद अली जिना, वो पता ही नहीं है उनको कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, और हर हर जो है ना वो अपनी मर्जी से रिलेशंस बना देते हैं। आज शाम में तुम्हें बेटा यहाँ बैठना पड़ेगा, चले आ जाए, अभी डिस्टर्बेंस नहीं करो, देखो वो चल रहा है ना, बैठ जाओ, अभी शाम में एडजस्ट कर लो, थोड़ी देर बात करते हैं। ठीक है, अब आ जाए इशू बलोचिस्तान इशू के ऊपर। तो बेटा जियाउल हक ने जो है वो बलोचिस्तान इशू इनहेरिट किया था। बलोचिस्तान इशू क्या जियाउल हक की खुद की गवर्नमेंट का निकाला हुआ ये इशू था? नहीं, ये बेटा इशू कौन सी गवर्नमेंट ने निकाला था? जुल्फिकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट ने, जुल्फिकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट ने। जितनी दफा बोलेंगे साथ साथ मेरे समझेंगे, याद होगा, मुझे अपने गले को टैक्स करने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों के लिए रिपीट करता हूँ बार बार। सही है, सो जुल्फिकार अली भुट्टो वॉज नॉट एट गुड टर्म्स विद द लीडरशिप ऑफ बलोचिस्तान। तो हुआ क्या, जिया जब प्रेसिडेंट बना
और साथ साथ बार बार बोलते जाओ कब बना 1977 जब जिया प्रेसिडेंट बना 1977 में तो उसे बलूचिस्तान इशू केटर करना पड़ा, उसे बलूचिस्तान इशू केटर करना पड़ा। अब कैसे केटर किया जाए बलोच लोगों को, बलोच ट्राइबल लीडर्स को ठंडा कैसे किया जाए जियाउलक के पास। अब देखते हैं हम जियाउलक ने क्या किया। जियाउलक ने दावत दी, दोस्ती की दावत दी ट्राइबल लीडर्स को। जियाउलक ट्राइड टू मेक फ्रेंडली रिलेशंस विद ट्राइबल लीडर्स। जिया ट्राइड टू मेक फ्रेंडली रिलेशंस विद ट्राइबल लीडर्स ऑफ केपीके एंड बलोचिस्तान, ऑफ केपीके एंड बलोचिस्तान। जियाउलक ने बोला कि यार भुट्टो ने ऐसा काला मुंह किया था कि मुझे उसको बेयर करना पड़ रहा है, मुझे उसको भोगना पड़ रहा है, मुझे उसको गुजारना पड़ रही है वो हालत। ठीक है, तो इस वजह से कैसे ठीक किया जा सकता है इशू, मैं उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाऊंगा। फिर जिया ने बोला कि अगर कोई भी प्रीवियस मसले मसाइल है मेरी गवर्नमेंट उसको दरगुजर कर देगी, मेरी गवर्नमेंट उसको दरगुजर कर देगी, जाने देगी। अगर बलोच और केपी के रहने वाले लोग ये कहते हैं अब हम आर्म्स नहीं उठाएंगे, अब हम आर्म्स, तो जिया ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, बोला हमसे दोस्ती करो मेरी गवर्नमेंट से, जो था माजी का उसको भूल जाते हैं। तो उसको हम कहते हैं जिया ऑफर्ड देम एन एमनेस्टी। ठीक है, एमनेस्टी इमरान खान ने भी याद है ना अभी निकाली थी, खैर बहरहाल वो तो टैक्स रिलेटेड एमनेस्टी है। तो बेटा जियाउलक ने क्या बोला कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे को फेवर करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी शर्त ये है कि अब तुम लोग अपने आर्म्स यूज नहीं करोगे, अब तुम अपने आर्म्स यूज नहीं करोगे। फिर वहां के लोगों को खुश करने के लिए, बलूचिस्तान और एनडब्ल्यूएफपी के लोगों को खुश करने के लिए जियाउलक ने बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाए, जियाउलक ने बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाए बलूचिस्तान में, ताकि लोगों को एतबार आए, लोगों को एतबार आए, भरोसा आए, कॉन्फिडेंस आए कि जिया की गवर्नमेंट अच्छी गवर्नमेंट है और जुल्फिकार अली भुट्टो जैसी गवर्नमेंट नहीं है, जुल्फिकार अली भुट्टो जैसी गवर्नमेंट नहीं है। इसी के साथ साथ जियाउलक ने एक और काम किया, वो काम ये था बेटा भुट्टो को जब बलूचिस्तान इशू में डील करना था तो भुट्टो ने क्या, भुट्टो क्या करता था ज्यादातर, कौन सी फोर्स का इस्तेमाल करता था, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स FSF। जियाउलक ने क्या किया, जियाउलक ने ये मिलिट्री ऑपरेशन और FSF का जो ऑपरेशन है वो बलूचिस्तान में रोक दिया, वो बलूचिस्तान में। अब देखें सियासत देखें कैसे चल रही है यहाँ पर, जुल्फिकार अली भुट्टो जो था उससे जब FSF से नहीं संभाला जा रहा था तो उसने किसकी मदद ली थी, तो उस वक्त यही था ना चीफ ऑफ आर्मी साहब, उस वक्त घुस गए थे और जैसे ही पलटी हुई हुकूमत ये बोला मैं अपनी फोर्सेस विड्रॉ कर रहा हूँ बलूचिस्तान से निकाल रहा हूँ क्योंकि मैं तो भुट्टो जैसा। अब ये पूरी अपनी मिनिस्ट्री में जिया ट्राई करेगा किसको बदनाम करने की, जुल्फिकार अली, क्योंकि जिया एक ऐसा बंदा था जो ये चाहता था मैं कम से कम 20-25 साल रूल करूं, आसरा ही नहीं करूं। ठीक है, समझ गए बात, अपने आप को डकी भाई समझता था वो, सही है ना। चले आगे चले, ठीक है अब आगे चलते हैं। तो हुआ क्या, इस तरीके से जुल्फिकार अली भुट्टो बदनाम होता गया और जिया और बलोच और जो केपीके के ट्राइबल इलाके इनकी आपस में दोस्तियां होती गई। Does that make sense? यानी जिया की गवर्नमेंट अब लोगों की नजर में अच्छी बनना शुरू होगी। ठीक है, इसी तरीके से FSF ने जो लोग मारे थे बलूचिस्तान के अंदर, जियाउलक ने उनके लिए बड़ा अफसोस शो किया, बड़ा उन लोगों को बोला कि मुझे बहुत अफसोस है कि जुल्फिकार अली भुट्टो की, जुल्फिकार अली भुट्टो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी FSF, ये सब इन्होंने मिलकर बलूचिस्तान पे बहुत ज्यादा जुल्म किया, तो मैं उसके लिए माजरत कहूँ, मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है। तो अगर हाँ वो तो अंडर, लेकिन नाम से तो नहीं था ना, वो तो अंडर आर्मी, तो उसी को लीड करनी थी। तो हुआ क्या, लोगों की नजर में लोगों का ऐसा हुआ हाँ यार ये हमारी खैर खां पूछ रहा है, खैरियत पूछ रहा है, तो ये अच्छा बंदा
अच्छा लीडर, तो बलोचिस्तान इशू सबको समझ आ गया, जुल्फिकार अली भुट्टो ने किस तरह खराब किया था और जिया ने आते ही उसको किस तरीके से ठीक करने की कोशिश की, सबको समझ आ गया बलोचिस्तान इशू, ठीक है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी हुकूमत में सिंध और पंजाब में अच्छा रोल प्ले किया था, बलोचिस्तान एनडब्ल्यूएफपी में अच्छा रोल प्ले नहीं किया था, तो बेचारे जियाउल हक को ये चीज इनहेरिट करनी पड़ी बलोचिस्तान इशू। तो जिया ने हाथ बढ़ाया दोस्ती का और बलोचिस्तान और केपीके के ट्राइबल लीड, केपीके यानी एनडब्ल्यूएफपी, अभी आज एनडब्ल्यूएफपी को केपीके कहते हैं, वहां के ट्राइबल लोगों से हाथ मिलाया। हाथ मिलाने का मकसद ये, उनको फ्रेंडली रिलेशंस की दावत दी, बोला कि मैं आप लोगों सब पुराना हम भूल जाएं, एक नई शुरुआत करते हैं, नई स्टार्ट करते हैं, नया आगाज करते हैं और आप लोगों को हम सपोर्ट करेंगे, हम आपके साथ हैं, हम यहाँ पर तरक्की आपका काम चलाएंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ताकि आप लोगों को, बलोचिस्तान को और एनडब्ल्यूएफपी को तरक्की दी जा सके, लेकिन उसकी शर्त ये आप लोगों को भी अपने हथियार अपना साजो सामान फेंकना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, और इसके साथ साथ बोल बच्चन भी खूब के जियाउल हक ने बोला मुझे बहुत अफसोस है, एफएसएफ ने बलोच लिबरेशन पार्टी के इतने सारे लोग मारे, वो तो अपनी आजादी के लिए, वो तो अपने हुकूक के लिए लड़ते थे, मुझे बड़ा अफसोस है कि उन्होंने आपके बंदे मारे। आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? तो दिस वॉज द बलोचिस्तान इशू, ठीक है। प्लीज आ जाएं अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, प्लीज आ जाएं अकाउंटेबिलिटी के ऊपर। देखें जियाउल हक का रिएक्शन एफएसएफ को, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी में हम ये डिस्कस करेंगे कि जियाउल हक ने किस तरीके से एफएसएफ को ट्रीट किया। एफएसएफ क्या थी बेटा, किसकी बनाई हुई फेवरेट फोर्स थी, जुल्फिकार अली भुट्टो की, ठीक है। सिंपल सा काम जो जिया ने किया, जियाउल हक ने एफएसएफ को बैन कर दिया, जियाउल हक ने एफएसएफ को बैन कर दिया। कब बैन किया, 1977 यानी 1977। बेटा जियाउल हक प्रेसिडेंट कब बना था, जियाउल हक 77 में, आते ही साल के एंड में इसने एफएसएफ को बैन कर दिया, एफएसएफ को बैन कर दिया। और ये कहा मैं इस वजह से एफएसएफ को बैन कर रहा हूं क्योंकि लोग इससे तंग आ चुके हैं, एफएसएफ को इसने कहा कि ये एक ऑप्रेसिव बॉडी है, एक ऑप्रेसिव पार्टी। सॉरी हाँ, आप जरा सा अगर वो करे, थोड़ा सा आपको अगर थोड़ी सी क्लास सिक्स में तो नहीं है आप, नहीं या वो लकीर काठी पे लिखना सिखाएं आपको थोड़ा सा, ठीक है। तो जो आम लोग थे और पॉलिटिशियंस थे, ठीक है, देखिए मैं ये बात कर रहा था कि जिया ने जब बैन लगाया एफएसएफ के ऊपर तो उसने रीजन ये दिया कि ये गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो ये सवाल आ सकता है 7 मार्क में, व्हाई जिया पुट अ बैन ऑन एफएसएफ, दिस कैन कम एज अ 7 मार्कर क्वेश्चन। तो आप क्या क्या रीजन देंगे भाई, पहला रीजन तो ये था कि इनजस्टिस कर रही थी एफएसएफ, क्या कर रही थी, पॉलिटिकल इनजस्टिस, फॉर उसमें एग्जांपल दे सकते हैं कसूरी वाले केस की, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये भी बोल सकते हैं कि जो आम लोग थे और पॉलिटिशियंस थे, ठीक है, वो तंग आ चुके थे। ये कौन से पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं हम, जो पीपीपी के थे या उनके अगेंस्ट थे, उनके अगेंस्ट थे, तो वो पॉलिटिशियंस जो कि पीपीपी के ऑपोजिशन में थे उनके अगेंस्ट थे, और आम लोग तंग आ चुके थे किससे, एफएसएफ से, किससे, क्यों, क्योंकि एफएसएफ गैर इखलाकी को तो छोड़ दें, एक कहते हैं ना एक चीज होती है जो इंसानी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जा जाकर काम कर रही, लोगों को कत्लो गारत कर रही थी, ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ पॉलिटिक्स, फॉर टू गेट पॉलिटिकल बेनिफिट। तो इस वजह से जियाउल हक ने इसको बैन कर दिया। डज दैट मेक सेंस, कोई इशू? उसके साथ जियाउल हक ने क्या किया,
जियाउल हक ने बोला हम प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी, प्रीवियस गवर्नमेंट बताएं किसकी थी, जुल्फिकार अली भुट्टो की, उसके उसके अंदर हम इंस्पेक्शंस करेंगे। जिया ने बोला कि हम इंस्पेक्शंस करेंगे प्रीवियस गवर्नमेंट के ऊपर, और जब इंस्पेक्शंस की तो जिया ने ये शो किया कि सारा कसूर किसका है, जुल्फिकार अली। बोला जुल्फिकार अली भुट्टो एक करप्ट पॉलिटिशियन है जिसने फेवरेटिज्म खेला है, सिविल सर्विस को बर्बाद किया है। कैसे सिविल सर्विस को बर्बाद किया है, अपने फेवरेट बंदे ना लाके। कल आपको बताया था ना जुल्फिकार अली भुट्टो सिविल सर्विस में उनको लेकर आता था जो इसको रिवॉर्ड करता था, ये जो इसकी पार्टी को फेवर करता था उसको ये सिविल सर्विस में अपॉइंट करके रिवॉर्ड पेश करता था। तो इस तरीके से जियाउल हक ने बेटा अकाउंटेबिलिटी सेट की। FSF को बैन कर दिया 1977 नवंबर में, कहा ये लोगों के सर का दर्द बन चुकी है, और ये बात थी भी आम लोग और वो पॉलिटिशियंस जो के पीपीपी के अगेंस्ट थे, वो चाहते ही ये थे कि FSF बैन हो जाए, FSF बैन हो जाए, क्योंकि वो मर्डर्स कर रही थी और भी बहुत सारे इश्यूज थे, ठीक है, गैर कानूनी तरीके से लोगों को मारपीट करती थी, मैंने आपको जे की मिसाल भी दी थी, ठीक है ना, डज दैट मेक सेंस, ठीक है, यानी वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स था, उसको भी FSF ने छोड़ा नहीं था, उसको भी जो है ना वो दे मार साढ़े चार मारा था, ठीक है। तो इस तरीके से जियाउल हक ने अकाउंटेबिलिटी सेट की। आर वी ऑल ऑन द सेम पेज, ठीक है, लेट अस गो अहेड विद द इस्लामाइजेशन रिफॉर्म्स ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है।